हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग हम रास्ते से शूट कर रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं गांव पर रक्षाबंधन करने के लिए। आए करो जैन सबको, पूरा ब्लॉग जरूर देखना। तो अभी हम गांव आ चुके हैं और ये है हमारा घर गांव का। चलो दूर से दिखाता हूँ मैं आपको। कुछ इस तरह का घर है हमारा गांव का, ये देखिए। और ये इधर चाचा का घर है। अब ये बेटा हुआ जैन, तो उसकी दादी के पास में खाना खा रहा है। क्या खा रहा हो भैया? रोटी। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और हम आ गए गांव पर। ये देखिए कुछ इस तरह का चूल्हा है हमारा गांव पर, जिस पर हम खाना बनाते हैं। और अभी हम खाना खा रहे हैं क्योंकि आज सब्ज़ी मुझे पसंद नहीं आई, क्या पता उसमें मिर्ची ज़्यादा है शायद इस वजह से। तो अभी हम खा रहे हैं दूध के साथ में रोटी को। ये दूध रखा हुआ है और साथ में है रोटी घी लगाकर। तो यही भोजन कर रहे हैं अभी हम। तो अभी हम खाना खाकर फ्री हो चुके हैं। तो ऐसे गांव में फेरी वाले बेचने वाले आते हैं सामान, और इससे जयंत ने लिया है चश्मा। बताओ तो बाबू, ये कितने का दिया? ये 10 रुपये। 10 का लगा लो 10 रुपये का लगा लो। और ये जैन की दादी है। अभी बज रहे दोपहर के 1 और अभी हम खा रहे बटला यानी कि मटर। तो इसको क्या बेसिकली आग के साथ में जो आग के अंगारे होते हैं उनको इसमें डाल दिया जाता है, जिससे कि ये भुन जाता है और काफ़ी अच्छा लगता है। ये हमारे गांव का मंदिर है बालाजी महाराज का। तो अभी मैं जा रहा हूँ खेत पर, क्योंकि क्या यार आज पूरा दिन घर पर बैठे बैठे टाइम पास नहीं हो रहा था मेरा, तो सोचा क्यों ना खेत पर चला जाए और वहीं पर थोड़ा बहुत देखा जाए कि क्या बोया गया है, किस तरह की फसल है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ये खेत पर जाने का रास्ता है। यहाँ से हम अंदर एंटर होंगे, पर चक्कर क्या है यहाँ पर कि जानवरों को रोकने के लिए यहाँ पर झाड़ वगैरह लगाए गए हैं, ताकि कोई जानवर अंदर घुस के फसल को बर्बाद ना करे। तो अभी निकलने की कोशिश कर रहे हैं कहीं गिर ना जाए। चलो निकल लिए। तो अब खेत के हम अंदर एंटर हो गए हैं। कुछ इस तरह का खेत है मेरा, ये देख सकते हो आप। इसमें मक्का की फसल बोई गई है अभी। तो आप ये जो देख रहे हो ये सभी मक्का के पेड़ हैं, और इसी के साथ में कुछ चीज़ें और बोई गई है इसमें। तो अभी तो इसमें फूल आ रहे हैं, ये इस तरह के मक्का के फूल होते हैं। कुछ अंदर घुस के भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कुछ इस तरह के मक्का के फूल होते हैं, और फिर इसके बाद में ऐसे भुट्टे इसमें लगते हैं। तो आप देखिए ये चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। बहुत अच्छा लगा मुझे भी यहाँ पर आके। घर पर बैठे बैठे बोर हो रहा था तो सोचा क्यों ना खेत पे चला जाए। तो अभी कुछ समय तक मैं यहीं पर रुकूँगा और तो देखूँगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या बोया है यहाँ पर पापा मम्मी ने। अभी कुछ खाने को भी मिलेगा यहाँ पर अभी कि नहीं, जैसे कि मूंगफली वगैरह है, कुछ मिल सकता है। पर अभी जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, क्योंकि मूंगफली वगैरह जहाँ पे भी बोई गई होगी वो पकी नहीं होगी, तो वही चीज़ें मैं ढूंढ रहा हूँ। क्योंकि जब यहाँ पर बुवाई की गई थी उस समय तो मैं यहाँ पर नहीं था, तो मुझे तो ये भी पता नहीं है कि किस जगह पर मूँगफली को बोया गया है। वही देखने की कोशिश करते, पर अभी तो मूँगफली पकी नहीं होगी वैसे।
तो इस तरह का कुछ नज़ारा है, आप देख सकते हो सब कुछ। ये है मेरा हरा भरा मक्का का खेत, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। देखिए दोस्तों, आखिर मैंने मेरे खेत में मूंगफली के पेड़ ढूंढ लिए हैं, पर अभी उनमें मूंगफलियाँ लगना स्टार्ट नहीं हुई है। आप ये देख पा रहे होंगे, इस तरह के मूंगफली के पेड़ होते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए आप, ये तो घास है वैसे, पर ये जो आपको दिख रहा है ना मेरे हाथ में, ये मूंगफली का पेड़ है, जिसमें अभी फूल भी नहीं आए हैं, क्योंकि इनको मूंगफली पकने में लगभग काफ़ी समय लगता है, तो इसमें अभी ना तो फूल आए हैं। फूल अगर आते तो हम फिर भी सोच लेते हैं कि इसमें फल आना भी स्टार्ट हो जाएंगे, पर अभी तो इनमें फूल भी। आज शाम के खाने में हमारे घर पर बन रही है बाटी, जिनको बना रही हमारी मम्मी। चूल्हे के खाने की बात ही कुछ और होती है यार। देखिए आज भी हमारी मम्मी सब्जी के लिए मसाला पत्थर पर पीस कर ही बनाती है, इससे टेस्ट काफ़ी लगती है सब्ज़ी। तो आज भी हमारे घर पर पिसे हुए मसालों का उपयोग सबसे कम किया जाता है, या कभी कभार ही किया जाता है। बाटी बनकर तैयार हो गई है, अब इसको डुबाया जा रहा है घी के अंदर। ये है मेरा छोटा भाई कपिल, और अभी हम दोनों खा रहे हैं दाल बाटी। दाल बाटी लग चुकी है, और कल भी हमने दाल बाटी खाई थी कुरावर में, और आज भी दाल बाटी लगी है। तो मम्मी दे रही है गर्मा गर्म घी में लगा लगा के। तो अब हम खाते हैं दाल बाटी, और आप भी आइए, सभी खाइए हमारे साथ में दाल बाटी। तो अभी हम शाम का खाना खाकर फ्री हो चुके हैं। अभी यहाँ पर शाम हो रही है, लगभग 7 बजे या 7:30 बजे तक का टाइम अभी हो रहा है शाम का, क्योंकि गांव पर अक्सर अधिकतर समय खाना जल्दी बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर कई तरह की समस्या रहती है, जैसे कि लाइट का चला जाना या इस तरह की समस्याओं की वजह से गांव पर खाना थोड़ा जल्दी बन जाता है। तो अब इसी के साथ में मैं भी इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पर एंड, क्योंकि अब ब्लॉग एंड करने के बाद में पूरे ब्लॉग को एडिट भी करना है, और एडिट करने के बाद में ब्लॉग को अपलोड करने के लिए मुझे जाना होगा थोड़ा ऊपर चढ़कर, क्योंकि यहाँ पर जहाँ से बैठ के मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, यहाँ पर इतना नेटवर्क नहीं मिलता है जिससे कि ब्लॉग भी अपलोड हो पाए। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद पूरा ब्लॉग देखने के लिए। और यार, आप अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। बाय बाय।